यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मंजू जोशाल ब्लॉग में आज का वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ मैं। अभी अभी शाम के बजे हैं 6:30 और मैं हूँ अभी छत में और यहाँ का सुंदर सा नज़ारा देखो। अभी आकाश में काले काले बादल और आधे दिन तक धूप नहीं लगा था दिन में और 1-2 बजे के टाइम पे बढ़िया सा धूप लगा था। अभी चले गया धूप और बढ़िया सा ठंडे ठंडे हवाएं चल रहे हैं और छत में तो ज़्यादा ही अच्छा हवा आता है, बिल्कुल बढ़िया सा। इधर साइड पे थोड़ा सा धूप का छाया भी है, अब धूप जाने वाला है। चले ही गया, अब 6:30 हो ही गया तो अंदर से बादलों के अंदर से छुपा है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे गमले 1-1.5 हफ्ते के बारिश से कितने अच्छे हो गए हैं। बढ़िया सा मेरा किचन गार्डन दिखाती हूँ। तो पहले मुझे ये कपड़े उठाने हैं, कितने सारे कपड़े धोए 2-3 दिन बारिश हो गए। आज बढ़िया सा रुका था बारिश, वैसे तो अलर्ट बारिश था, स्कूल में भी छुट्टी था पर बिल्कुल ही बारिश नहीं हुआ। आधे दिन धूप कम था पर दिन में उसके बाद बढ़िया। पहले मुझे ये मिर्च तोड़ने हैं, ये अचार वाले मिर्च कब से लाल हो रखे हैं पर तोड़ा नहीं मैंने, इतने ही लगे उसके बाद बिल्कुल ही नहीं लगे और लगेंगे फिर और इतने से होगा क्या करके, क्या तो अचार बनेगा करके, पर ये नहीं लग रहे हैं। अब लगने वाले हैं, फूल ही लगे। गर्मी से भी फूल अपने आगे ख़राब हुए, अब आजकल दिख रहे हैं थोड़ा लगने जैसे, आजकल थोड़े बड़े बड़े फूल लग गए हैं। ऐसे फूल लगेंगे फिर अपने आप ही ऐसे सूख के फिर गिर जा रहे थे, आजकल लग रहे हैं थोड़े, अब पता नहीं लगेंगे शायद। थोड़ा थोड़ा जमा करके रखूँगी इसको भी, एक इसमें लगा है यहाँ पे है एक छोटा सा, इसमें भी ऐसे ही लगे हैं काले काले जैसे हो गए मिट्टी लग के। थोड़ा इसको ऐसे जमा करके रखूँगी, इसको अचार मसाले डाल के और डब्बे में डाल के रखती हूँ और लगेंगे फिर जितने भी लगेंगे साथ साथ ही फिर बनाऊँगे। थोड़े यहाँ पे है इनको तोड़ के फिर और लगेंगे। अब तो बारिश का सीज़न है, अब मिर्च लगने के सीज़न भी है पर अब गर्मी से नहीं लगा, थोड़ा गर्मी कम हो गया बारिश से, बढ़िया सा अब है लगने के चांस। एक डब्बा भी हो जाएगा तो ठीक ही है, ज़्यादा नहीं खाते हैं अचार भी कम ही खाते हैं। थोड़ा छोटे वाले इसमें इसको मैं जैम के डब्बे में बनाऊँगी, हो ही जाएगा। ये 1-2 यहाँ पे हैं, पहले पहले जब लगे तब मैंने हर सब्जी में डाला इनको हरे हरे, फिर बाद में एकदम से लाल हो गए। अब सब्जी में भी उतना खास स्वाद नहीं है, वही अचार का ही काम हुआ इसका। इतने ही हो गए, इसको मैं आप बनाऊंगी कल डब्बे में डाल के। यहाँ पे इतने सारे मिर्च हैं, पहले पहले लगे थोड़े थोड़े, जब जून का महीना चला तब से बिल्कुल ही नहीं लगे, इतने सारे भर भर के फूल लग रहे हैं ये आजकल और ज़्यादा लगे हैं बारिश से। पहले से ही ऐसे लग रहे थे फिर अपने आप ही सूख जा रहे थे बारिश से गर्म। पहले इनमें भर भर के फूल लगे फिर गर्मी से पूरा सूख जा रहे थे, अब आजकल नहीं सूख रहे हैं ये लगने वाले हैं फूल, बिल्कुल थोड़े बड़े बड़े फूल जैसे लग रहे हैं, अब पता नहीं लगते हैं या नहीं। और ये बारिश से ख़राब भी हो जाते हैं मिर्च, ये तो ख़राब ही हो गया है, ज़्यादा बारिश भी अच्छा नहीं होता है इनके लिए, ख़राब ही हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा ये भी हो रहा है, पत्तियाँ अजीब लग रहा है। इनको मैं अच्छे से धूप में रखती हूँ, सब नीचे रखूँगी इसमें से हटा के, क्या पता अच्छे से धूप में हो जाए। इसमें थोड़ा सीढ़ी के नीचे है थोड़ा छाया जैसा, और बारिश आते समय यहाँ से बारिश के छींटे गिरते हैं जैसे ऊपर से बड़े बड़े छींटे, तो वैसे भी पेड़ पौधे ख़राब हो जाते हैं और इनके लिए भी बड़े बड़े पत्तियाँ हो रखे हैं पर छाया हुए हैं, कोमल कोमल पत्तियाँ, बड़े बड़े लंबे पत्तियाँ है। मेला लगाया है इसमें, गोबर डाला था मैंने थोड़ा थोड़ा, इनमें कोमल सब हैं पर लगने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, थोड़ा फूल लगने जैसे हो रहे हैं, तो इनको भी धूप चाहिए है थोड़ा। ये मक्के इनके जड़ में मिट्टी डालना हो रहा है तो इधर को लटक रहे हैं, गिर भी जाते हैं हवा से। मैं थोड़ा घास उखाड़ती हूँ
इनके नीचे से मिट्टी डालूंगी, तब ऐसे सीधे होंगे ये, क्योंकि मक्के के पेड़ के जड़ में ज़्यादा ही मिट्टी लगाना पड़ता है, नहीं तो ढल जाते हैं ये, गिर जाते हैं। इसमें मैं मिट्टी लेके आई थी तो बारिश से बिल्कुल गीले हो गए हैं, इनको ले जाके डालना है मैंने मक्के में, जड़ में लगा दूँ थोड़ा थोड़ा मिट्टी। ये वाला मक्का इधर 3-4 है इसमें, तो ये इधर को आ गया है, इसके जड़ में बिल्कुल ही नहीं है ये, और इसमें डाल दूँ मैं इसको फोड़ के। जितना ज़्यादा जड़ में मिट्टी लगाओ उतना अच्छा होता है मक्के। और आजकल पुदीना इतना बढ़िया हो रखा है, देखो पूरा का पूरा गमला भर रखा है, तीन है ये, दो छोटे छोटे हैं एक बड़ा सा है, तीनों भर रखे हैं, एक उधर साइड है 4। और यहाँ पे ये तरबूज का बेल, ये बेल तरबूज का, और इसमें एक तरबूज लगा था, हफ्ते दिन में ही इतना बड़ा हो गया ये। ये नीचे ये लोग स्ट्रॉबेरी के नीचे है, तो इसमें पीला पीला जैसा पड़ गया, इसमें से ये एक हफ्ते में बढ़ गया था। फिर मैंने इसको ऐसे ऊपर रखा है, और एक छोटा सा यहाँ पे लग रहा है ये, और स्ट्रॉबेरी के बेल भी हो रहे हैं ये, बड़े लंबे लंबे, एक बार लंबे होते हैं ये गमले से बाहर तक, फिर उसके बाद में सब ये सूख जाते हैं, बाद बाद में सितंबर अक्टूबर नवंबर में सब सूखते हैं, क्योंकि इनको जड़ जैसे धरती होता तो इसमें जड़ पकड़ते हैं, इसमें खाली हुआ है गमले में कितना तो आते हैं, तो सूख जाते हैं बाद में। इस बार मेरे इतने सारे गमले खाली हो गए, दिखाती हूँ मैं आपको, ये गमला ये और ये भी खाली हुई, इसमें काफ़ी सड़ गया था, तो इसमें मैंने सदाबहार लगा रखा है, इसमें काफ़ी ख़राब हो गया, फेंक दिया मैंने, सड़ गया था वो, डंठल जैसे होते हैं ऊपर से अलग पत्ते आते हैं और नीचे से हरे पत्ती, तो वो डंठल जैसे कि पानी चले गया अंदर तो गल गए हो। इसमें मैंने अब गुलाब लगा रखा है, ये छोटा छोटा सा टहनी तोड़ के, एक गमला ये है इसमें भी सदाबहार के टहनियाँ लगाए हैं, अब होगा या नहीं होगा, कल ही लगाया है इसको मैंने। और इसमें भी ये एक ये है, इसमें भी सब सदाबहार लगाते हूँ। ये भी हुआ था खाली, तो इसमें मैंने नीम का पौधा वहाँ से जमा था तो उखाड़ के लेके आई, इसमें लगाया है, तो ये भी सड़ गया है, इसको मैंने अंदर रखा था, बड़ा हो गया था, पर ये सड़ते गया तब ख़राब हो गया, तब मैंने बाहर रखा है, आजकल अब पता नहीं। ये जेट प्लांट है, ये हुआ है बढ़िया सा आजकल, पहले सब पत्तियाँ गिर गई थी, आजकल बारिश से बढ़िया हो गया। ये है लकी बैम्बो, इसको मैंने बाहर ही रखा, ये बाहर ही अच्छा हुआ है, और इसको मैं अंदर ले गई तो अंदर रखा, 3-4 महीने में ख़राब हो गया ये। यहाँ पर लौकी लगा रखा है, 3 बार खीरा लगाया हुआ ही नहीं, फिर गल गई अपने आप ही, 2 पैकेट खीरा और 3 बार बोए, अब लौकी लगाया है, ये अच्छा हुआ है, और भिंडी भी अच्छा हुआ है इस बार, हाइब्रिड वाला है शायद, ये अभी भी नहीं लगे हैं, बड़े बड़े होके फिर लगते हैं। कद्दू का बेल भी अब पहुँच ही गया आधा आधा, थोड़ा बचा है छत में पहुँचने में। तो आज इतना ही हो गया, अंधेरा होने लग गया और दूध लेने जाने का टाइम भी हो गया, तो आज मैं इतना ही वीडियो बना रहा हूँ इतने तक, फिर कल भिंडी के पेड़ हैं सब गोड़ने हैं, आजकल बड़ा अच्छा गीला हुआ है तो उसमें थोड़ा गोड़ूंगी तो अच्छे हो जाएंगे। आज का वीडियो यहीं पे एंड कर दो, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।